देखो सभी नौ प्रकार की भक्ति, ये नौ प्रकार की भक्ति में से किसी में एक भी भक्ति हो वो मेरा अतिशय प्रिय है। भगवान श्री राम ने कहा नवमो एक जिनकी होई नारी पुरुष सतरात्र कोई सोई अतिशय प्रिय भाव वाले, ये सभी नौ प्रकार की भक्ति में से एक प्रिय हो मेरा अतिशय प्रिय है। सभी कहते पिछले जन्म में महारानी थी, राजा की रानी थी, और जब वो अपने महल के दरबार से देखती थी बहुत संत लोग उनके रास्ता से जाते थे, भजन कीर्तन करते करते जाते थे, और महल के सामने कैद पीढ़ी से बैठ कर अपना डेरा लगाते थे। तो ये सभी को जो महारानी थी उनको देखकर बहुत आनंद होता था, उसको भी बहुत इच्छा होती थी मैं भी साधु संग करूं, उनके जाकर उनके पास जाकर मैं भी शांति करूं। लेकिन राजा कहते तो महारानी को तुम्हारी मर्यादा है, एक बार कहते हैं प्रयागराज तीर्थ में स्नान करने गए जहां पीवन संगम है सरस्वती का संगम जुड़ा है, तो कहते थे महारानी स्नान करने गई, उसने कहा स्नान करने के बाद मैं संतोष नहीं मैं सत्संग करूंगी, उसने सेवक आज्ञा दी कि मैं स्नान के बाद संतोष से मिलूंगी। लेकिन सेवकों ने कहा हमारे महारानी जी आप स्नान करने के लिए आ रहे, इसीलिए राजा ने पहले से ही वहां सब संत को हटा दिया, कोई संत नहीं क्योंकि महारानी जी स्नान करके आ रहे हैं, तो वहां जितने संत के सर को हटा दिया, तो आप किसी संत का संत नहीं कर पा रहे। तो रानी को इतना दुख हुआ कि मैं स्नान करने के सारे किसी के सर संत को हटा दिया, तो संत ने स्नान के लिए गई तो प्रयागराज से प्रार्थना की कि प्रयागराज ये शरीर को नहीं रखना चाहता, मैं दूसरे धर्म में ऐसे कुल में जन्म जो उच्च कुल ना, क्योंकि उच्च कुल में जन्म लिया इसी के मुझे साधु संग करने का सौभाग्य नहीं मिला, मेरा जन्म बीच जाति के रूप में स्कूल में हो तो मैं साधु संग का संग कर सकूं, ये कहकर उसने त्रिवेणी संगम में अपने शरीर का विसर्जन कर दिया। दूसरे जन्म में सबर जाति में सबर का धन होता है, उनके जो पिता जंगल में सीता के सरदार थे, तो कहते सबरी को जंगल में बड़ी होती वो आस पास सब पशु पक्षी से खेलती, तो पशु पक्षी से इतना प्यार है कि कोई पशु उससे डरता नहीं, उनके पास आता है प्यार से खाते पक्षी आकर उनके मस्तक पर कंधे पर बैठ जाते, सबकी डिग्री बड़ी थी। एक बार क्या हुआ उसने देखा उनके घर में बहुत पशु पक्षी को पकड़ पकड़ कर ले आ रहे हैं, पिता से पीछे को बंद कर बहुत पशु पक्षी को पकड़ कर पीछे को बंद किया, सभी उसने कहा इतने पशु पक्षी को क्यों पकड़ कर आ रहे हैं आप, थोड़े पिता के पास देखो सभी को शादी सरदार कि जंगल में जितने शिकारी सबको मिलता जंगल तो सब पहुंच जाते हैं कि वो सब का मांस मांस खिला के सभी कितना दुख हुआ कि मेरी शादी हुई इतने पशु पक्षी की हत्या तुम शादी नहीं कर, लेकिन सभी को पता था कि मैं जो बोलूंगी शादी नहीं करूंगी मेरे को आप कुछ नहीं मिले, तो सभी ने सोचा कि भाग जाए, सभी को ये भी पता था मैं जब भाग जाऊंगी तो मेरे पीछे ये लोग ढूंढने के लिए लोग भेजेंगे। सभी रात को उठी कहीं उसने क्या किया जितने पशु पक्षी को बंद करके रखा था सबका बंधन मुक्त कर दिया, सब कुछ
Also mit Gott wieder tute werden, dann kann sie. Ich bin die Ahnung, dass sie große Jungfrauen hier gibt, Gott sie gut nehmen wird. Und manchmal sage ich, wo Aschibat können wir. Deshalb ist mir ein Kommandos der Mutter klar. Tun wir die Hauptmann, dass sie gut nehmen. Also was sie nach wie vor hat, ja. Ja, hätte ich. Sage ich, Rat zu sagen. Sage ich, wo war ich, wo muss ich so, wo muss ich nicht mehr. जंगल में रात को सारे के रात को कुछ दिखाई देता है, जंगल में अंधा कभी की जाती है कभी जाती है, तो जब दिन का उजाला होता है, सभी जाती पेड़ के ऊपर चढ़ कर बैठता है, मुझे उधर की, उनको पता है जो मुझे ढूंढेगी, तो दिन में ढूंढे, वो दिन में तो सभी बस पेड़ के ऊपर चुप कर बैठ जाते हैं, उनका भी नहीं ऐसे करते 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 सभी बहुत दूर थे, कोई सभी को ढूंढ नहीं पाया, बहुत दूर था कर देखा, इतने साधु संत सब ऋषि मुनि सब कुछ याद ले रहकर भगवान का नाम कर रहे ये भी कर रहे तो सभी लोग के पास गए और पूछा कि ये क्या आपके साथ है इस साथ में तो मैं भगवान को प्राप्त करना चाहती हूँ ऋषि ने पूछा कोई जाति क्या सब जाति की कन्या उसमें ये नहीं सुनती कि कन्या होगी तो ये सब जो तुम भी लड़की हम ये सभी भी सोचा कि भगवान को पाने के मैं सब को छोड़ दिया अब ये ऋषि मुनि भी मुझे आश्रय देते थे क्या करो सब भी बहुत छोड़ लेंगे भगवान को प्रार्थना के लिए भी मन ही मन उसको कुछ उत्तर मिला ऋषि मुनि की सेवा करो सभी कार्यों की रात को उठकर ऋषि ने पूछा कि झाड़ में तो साफ कर रहे थे ऋषि ने ये भी करते लकड़ी की तरह होते लकड़ी क्या की काट काट कर सुखी सुखी लकड़ी हर ऋषि मुनि के सामने रखती थी ऋषि मुनि सब फल खाते फल को धोकर धोकर केले के पत्ते में सब पूछा के सामने रख देती है रात को उसे गुजारा होता है गुजारते भगवान की कोई सेवा करना उसमें मतलब नहीं थे उसने सोचा कि इतने सालों से हम जिनकी सेवा स्वीकार कर रहे हैं वो कौन है देखकर मतलब नहीं है पीछे उसने सभी स्वीकार अपराध तो क्षमा कर तो मातम मुनि ने कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुआ हूँ मैं तुमको की पूछा के पास करूंगा तो मतम मुनि ने सबके पास रह गया मतम मुनि को गुरु की बहुत सेवा की मतम मुनि ने सभी को राम मंत्र से दीक्षित किया सभी राम 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 जप रहे मुझे मतम मुनि का सभी शांत होने वाला था सब योग के पास आने के दो दिन की कि आप सब जगह मेरा क्या होगा मतलब मुझे कहते हैं सभी मैं तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हूँ मैं तुम्हारा आशीर्वाद करता हूँ क्या कि भगवान को ढूंढने के लिए तुमको कहीं नहीं जाना भगवान ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास आए सभी को इतना आनंद हो रहा है भगवान मेरे पास आए देखिए हम सब लोग भगवान को ढूंढा बैठे भगवत करके जाए यहाँ मानव का उत्तम स्थान है एक भगवान की जाए तीर्थ यात्रा की जाए लेकिन यहाँ सभी को आशीर्वाद मिला कि भगवान को तुमको ढूंढने की जरूरत नहीं भगवान स्वयं ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास आएंगे सभी इतना आनंद हुआ मत भूमि का स्थिर शांत हो गया सभी आश्रम में रह गए सुबह से शाम तक राम 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 सब को पता है
सारे कुछ इच्छा रहे हैं, उस समय इतना भगवान राम का नाम करेंगे, कहते राम राम करते करते सबरी के आश्रम में पक्षी भी राम राम कहने लगे। सभी जाते उनके दीवान पेड़ पौधे किसी में राम स्वर सुनाया देता है। उस समय ने अपने गुरु को ही पूछा भगवान से नाम कितने दिन के बाद आए, कब आए, सुबह में आएंगे, शाम को आएंगे, सब कुछ नहीं पूछा। भगवान आए सभी भगवान की परीक्षा करने धीरे धीरे सभी का योग सदा का सभी वित्त होने लगी, सभी ग्राम की योग संपन्न होने लगी। लेकिन सभी के मन में गुरु वाक्य के प्रति विश्वास दृढ़ विश्वास, यदि गुरु ने कहा तो भगवान श्री राम जरूर आए। तो यहां कह रहे थे कि सभी सुबह से सोते भगवान का मार्ग शाम को भी रात की आरती कब भगवान चल पाए। तो यहाँ कहते हैं सभी के मन में दिन दिन विश्वास बढ़ता है कि हमारा सबका क्या होता है, भगवान का नाम करके कुछ नहीं होता तो छोड़ देते जीवन। लेकिन सभी का शरीर वृद्ध हो रहा है किंतु मन वैसे युवक है, उसका मन अभी भी युवा है, विश्वास भगवान श्री राम आएंगे। और एक दिन क्या देखा सभी सभी देखी राम गृह आए, मुन के वचन समझ जी आए, सरस लोचन बाण विशाला, जटा मुकुट से दुर्वन माला, श्याम गोप सुंदर दो भाई, सभी पर सभी देखी राम गृह, सभी देखा भगवान मुनि के वचन समझ जी आए, अर्जुनी का वचन सार्थक हो रहा है। श्याम गोप सुंदर गुरु भाई भगवान श्री राम श्याम है, लक्ष्मण रावण गौर है। यहाँ कहते छटा उसी पूर्व माला, भगवान श्री राम मस्तक पर छटा है, कले वन माला है, सभी पर चरण लग रहा है, सब भगवान के शरण में, सभी राम को भी भगवान श्री राम का शरण सभी चुनाव होता है। प्रेम मगन प्रसन्न आवा सभी विघ्न आनंद होता है, कुछ दूर सभी भगवान श्री राम को बिठाया, उस सभी को फल रखा था। सभी सोच रहे थे मेरी आंखों की रोशनी को चलिए जो फल खाता है कड़वा है कैसा है पता, तो सभी पहले खाकर भगवान श्री राम को दिलाया। कहते हैं कंद मूल पर सरस्वती दिए राम भगवानी, प्रेम सहित प्रभु खाली बारंबार बखानी, कंद मूल पर सरस्वती दिए राम भगवान श्री राम से मिले। भगवान श्री राम का संरक्षण
ये सभी माता का सूखा फल खाया था क्या? सिंह खाया था। भगवान श्री राम ने हमने देखा ये सभी माता का भक्ति का प्रताप है। उसका सूखा फल मैंने खाया ना, किसी राक्षस की शक्ति मुझे कुछ कर नहीं पाए। भगवान श्री राम ये सभी माता का भक्ति का प्रताप है। देखिए भगवान के नाम इतनी शक्ति राक्षस को है, काम क्रोध लोभ को, लेकिन से भगवान का नाम करते करते इतनी शक्ति आ जाती है कि राक्षस काम क्रोध लोभ को विचलित नहीं कर पाएंगे। या भगवान श्री राम कहते सभी माता का भक्ति का मैंने भक्त कहना था, इसलिए मैंने किसी राक्षस को कुछ कर नहीं पाए। तो क्या बताओ दोस्तों, ये तो जिंदा हो ना, वो भी सभी माता का भक्ति का प्रताप है। लक्ष्मण का प्रभु मिली सकता तो देखो सभी, देखो लक्ष्मण सभी ने जो झूठा फल मुझे खिलाया, ये झूठा फल खाकर जो मैंने जो फल का बीज रखा था, वो बीज पक्षियों ने लेकर वहां से लेकर हिमालय की कंदरा में रखा था, वहां से वनस्पति ये की संजीव में निकली, और वही संजीव ने हनुमान जी राय को खिलाई, इसी की पौधे भी जिंदा। ये भी सबरी माता का भक्ति का पता करते हैं। कहते हैं कि प्रेम सहित ब्रह्म खाय बाद बाद बखान भगवान श्री राम खाय बखान बखान का प्रशंसा करते हैं भगवान श्री राम। दुनिया सभी को हाथ जोड़कर भगवान श्री राम का देश कहती है अधम 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 अति नारी दिन मन दिन अति मंत्र खाई ते भी स्तुति करो तुम्हारी। और उसने कैसे स्तुति करो, मैं तो कुछ नहीं जानती, मैंने कुछ पढ़ा नहीं, मेरी बुद्धि भी जड़ है, मैं कुछ जानती कैसे तुम्हारी स्तुति करो। तो कहते हैं भगवान श्री राम जो नवनाथ भक्ति की बात बता रहे हैं, ये क्या है मालूम है? इस सभी को उपदेश नहीं है, इस सभी की स्तुति है। क्योंकि भगवान श्री राम नवनाथ भक्ति की बात बताने के बाद जो कहते हैं कि नवमो एक जिनकी बोली नारी पुरुष सचराचर कोई सुई अति सह प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भक्ति भीड़ को। इस नौ प्रकार की भक्ति में से किसी मनुष्य में एक भी भक्ति और अति से प्रिय है, लेकिन सभी में देखता हूं सकल प्रकार भक्ति भीड़ को ये नवदा भक्ति तुम्हारे में दीर्घ भाव से भी मानते थे। भगवान श्री राम यहां जाकर सभी की स्तुति कर रहे हैं, सभी को उपदेश नहीं दे। जब सभी के पास मैं तो स्तुति नहीं जानती, भगवान श्री राम ने कहा मैं स्तुति जानता, मैं स्तुति करूंगा, मैं भक्त की स्तुति करूंगा। भगवान श्री राम भक्त की स्तुति कर रहे नवदा भक्ति क्या है, इस सभी के मन में अंदर में नवदा भक्ति सभी को पता नहीं कि ये भक्ति व्यक्ति है भगवान श्री राम से साधना करते थे। साधना करते करते उनके शरीर में जलन होती थी, ये सब होता था, सब लोग कहते रोग है, लेकिन भैरवी ब्राह्मणी आई, उसने कहा ये सब रोग नहीं, ये साधना किए इसी का फल है। तो यहाँ भी भगवान श्री राम को बगैर नौ प्रकार की जो भक्ति सब तुम्हारे विद्यमान है, तो आज तुम सर्व रस पर पहुंच गए। भगवान श्री राम कह रहे सभी को, फिर उस सभी ने कहा मैं अधम 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 अति नारी क्रिया है मंत्र धार पद नारी को मैं स्तुति नहीं जानती। भगवान श्री राम ने कहा देखो सभी जाति पापी कुल धर्म बढ़ाई धन बल पर कुल सतुला, ये किसी की जाति नहीं देखता, किसी की किसी का कुल नहीं देखता, ये कितना विद्वान है कितना धन है वो भी नहीं देखता, कितना शत्रु वो भी नहीं देखता। क्या देखता हूं मानो एक भक्ति करना था। भगवान श्री राम ने कहा देखो सभी ने देखा कि मनुष्य भक्ति है कि नहीं,
सभी को भगवान श्री राम भगवती की बात कहते, भगवान श्री राम कहते प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी गति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति सत्संग भगवान श्री राम कृष्ण बस नाम लिखने कहते हैं। मास्टर मास्टर तो चार प्रकार जीव की बात बता रहे, मुख्य जीव है, मूर्ख जीव है, नित्य जीव, कद्य जीव कहते हैं। जो अवसर पाने पर भी भगवान का नाम नहीं करता, संस्कार के प्रसार दूसरा काम करेगा भगवान का नाम करता। तो देखिए यहाँ मास्टर मास्टर ठाकुर जी को पूछ रहे हैं, ऐसे कद्य जीव के लिए कोई उपाय है क्या? श्री राम कृष्ण ने कहा उसी उपाय क्या उपाय? श्री राम कृष्ण देव ने कहा सदसंग। बद्ध जीव जो कभी भगवान का नाम मुंह से भी नहीं करता, ठीक है, इसके लिए भी उपाय क्या? सदसंग। यहां कहता है फिर मास्टर से सदसंग से क्या होता है? भगवान श्री राम कृष्ण ने कहा सदसंग से ईश्वर के प्रति अनुराग होता है। क्या होता है? भगवान के प्रति प्रेम होता है। एक किसी कारण ये एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि सत्संग के साथ संग का क्या फल है? तो भगवान विष्णु ने कहा देखो नारद, ये तुमको सत्संग का फल क्या है तुम जानना, तुमको वस्त्र धाम मिला स्मृति, वहां एक गाय के गोबर ने एक कीड़ा काटा, भगवान तो पूछा कि कहां
वांछित में तो कहां के गुरु आपने पूछे आप कहां रहते हैं, ऐसा बोले तो आप कहां नहीं है। वांछित से तो भगवान से तो विवाद की प्रस्तुत कर कि भगवान कहां, भगवान सबसे है बाद में बाद में के लिए कहां से आप कहां रहते जिनके श्रवण समुद्र समान कथा कुमारी सूरत सलीना जिनका कान समुद्र जैसा कथा तुम्हारी सुगर सलीना कथा ने सलीता भरत निरंतर हो ही नुए जैसे सलीता समुद्र में आ जाती रवि समुद्र तृप्त नहीं होता वैसे जिनको भगवान की कथा सुनते सुनते तृप्ति नहीं होती उनके हृदय में वास भगवान की कथा सुनते सुनते क्या होता है भगवान हृदय में वास करते हैं जिसको हम देखते जो सुनते उससे क्या होता है वही आहार खाते तो आहार है लेकिन मन हम क्या करते हैं आंख से भी आहार करते हैं जो भी देखते जो अच्छा विषय देखेंगे हमारे मन में अच्छा विचार है हम अच्छी बात सुनेंगे तो क्या होगा हमारे मन में अच्छा विचार आएंगे और ये विचार से हमारा मन में संस्कार उत्पन्न होता है संस्कार से दूसरे चरित्र होता है यहाँ कहते हैं दूसरे व्यक्ति मन करता है संस्कार सुनते कथा सुनते गति का मतलब क्या है कान के साथ मन का योग होना चाहिए देखिए कान के साथ मन का योग नहीं होगा तो कथा जितनी भी सुनने के अंदर नहीं जाएगी रति का मतलब है श्रवण मन लानी सीता ने भगवान श्री राम की कथा सुनी हनुमान श्रवण मन कान के साथ मन का योग है वो क्या होगा सीता पर दुख भागा सीता लंका में की उनका दुख भाग गया यहाँ कहते प्रथम भर की संतर का संगा दूसरी रति मन कथा संगा इस विभक्ति क्या है गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान चौथी भक्ति मम गुण गण करि कपट दशमान गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान चौथी भक्ति मम गुण गण करि सेवा की सभी भगति अमान अमन का मतलब अहंकार को त्याग करके गुरु की कर्म की सेवा देखिए गुरु की कर्म की सेवा का मतलब क्या है हमारे जो गुरु लोग है उनसे पूछते हो भगवान श्री राम गुरु को इष्ट एक ही है तो गुरु पद पंकज सेवा गुरु ने जो हमको पद्धति सिखाई जब ध्यान की उनका उपदेश से उनका अच्छी तरह से पालन करना यही गुरु पद पंकज सेवा है गुरु पद पंकज सेवा का मतलब ये है कि गुरु का तरण दबा आप लोग जी हमारे जो कृष्ण वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनके हजार हजार शिष्य सब लोग गुरु पद पंकज सेवा के दबाना शुरू करे पानी खाना नहीं शुरू करे ठीक है पानी की अवस्था हो गई ठीक है सब लोग से गुरु पद पंकज की सेवा करना शुरू कर दे ये प्रभाव भगवान जानी गुरु के चरण की क्या अवस्था हो गुरु पद पंकज सेवा का मतलब ये भी गुरु का चरण दबा गुरु पद पंकज सेवा गुरु इष्ट है ये तो श्री राम कृष्ण का संग है ये श्री राम कृष्ण का शरीर है आप जो संग की सेवा करेंगे वही गुरु की सेवा वही इष्ट की सेवा सुबोधा जी मास के घटना है सुबोधा जी खुबा मास वो जो रांची में थे तो एक युवती को उसको दीक्षा पर क्या हुआ दीक्षा देने के कुछ साल के बाद उनकी काटे हाथ धो रहा है तो लड़की बीच बीच में आकर मास के पास तो मार्च का वो सर्विस चला गया तो मार्च उसकी माता पिता तो मीटिंग
संतान माता की मिलती हो। तुमसे माता पिता ने कहा कि महाराज जब मेरी लड़की मर गई, हमने देखा कि